हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पृथ्वी फाउंडेशन। आज हम आपके लिए एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेकर आए हैं जो कि निकाली है एसएससी ने, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट्स आपकी डेट रहने वाली हैं, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, सैलरी, एग्जाम सेंटर, क्या इसमें फीस रहेगी, हर चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए, पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, एसएससी ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। ये ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेरियस डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस में। सबसे पहले हम इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन 20th जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 4th अगस्त। लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की मैंने आपको बताया 4th अगस्त है और लास्ट डेट आपकी ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की है 5th अगस्त। यहाँ पर जो डेट होने वाली है विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की वो है 6 अगस्त, और यहाँ पर जो आपका पहला एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का, जो कि होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो आपका अक्टूबर 2022 में होगा। ये रही आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अभी इसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हैं उस बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है। जब भी एग्जैक्ट वैकेंसीज निकलेगी एसएससी आपको नोटिफाई कर देगा उसके बारे में। अब यहाँ पर हम इसके सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जो जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल में, रेलवे बोर्ड में, आर्मी फोर्स हेडक्वार्टर्स में, यहाँ पर जो आपको सैलरी देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो पे स्केल रखा गया है वो है 35,400 से लेके 112,400 तक का। और यहाँ पर जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट में, यहाँ पर आपको जो पे स्केल रहेगी आपकी वो है लेवल 7 की, जो है 44,900 से लेके 142,400। ये रहा आपका सैलरी स्ट्रक्चर जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। अब हम यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, जिसमें मेनली 2 ही पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट इज़ योर एज लिमिट एंड सेकेंड इज़ योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हम एज लिमिट की बात करते हैं। यहाँ पर मिनिमम एज आपकी 18 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 इयर्स होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपका बर्थ 2 जनवरी 1992 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने में। यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज, जैसे कि अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई आपकी एज लिमिट की बात। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और जो डेट यहाँ पर रखी गई है वो है 4th अगस्त 2022। मतलब कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी जो भी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो 4 अगस्त 2022 तक पूरा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर पोस्ट कोड A to D, मतलब कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है उसके लिए अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सीनियर ट्रांसलेटर की अलग है, वो अभी थोड़ी देर में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेटर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अगर आपने मास्टर्स डिग्री ले रखी है हिंदी में और आपका इंग्लिश एक उस पर कंपल्सरी या फिर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने अगर मास्टर्स कर रखा है इंग्लिश में जिसमें कि हिंदी आपका एक कंपल्सरी या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने मास्टर्स डिग्री ले रखी है हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट में जिसमें कि आप हिंदी मीडियम से और आपका इंग्लिश एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है उसमें या फिर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपने मास्टर्स डिग्री ले रखी है किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में इंग्लिश और हिंदी के अलावा और वो डिग्री इंग्लिश मीडियम में है जिसमें कि हिंदी आपका एक कंपल्सरी या फिर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं।
या फिर अगर आपने मास्टर्स डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ले रखी है किसी भी सब्जेक्ट में अदर देन हिंदी और इंग्लिश, जहाँ पे आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो या फिर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, या फिर इन दोनों में से कोई एक आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को भरने के लिए। मतलब कि इन 5 पॉइंट्स में से अगर किसी भी एक पॉइंट को आप मीट करते हैं तो आप एलिजिबल हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के और जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। साथ ही आपके पास इन 5 पॉइंट्स में से कोई भी एक क्राइटेरिया आप फुलफ़िल करें, प्लस आपके पास डिप्लोमा या फिर एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन का फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, या फिर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क का हिंदी टू इंग्लिश में या फिर वाइस वर्सा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए या फिर जूनियर ट्रांसलेटर के लिए। तो ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, ये थी फॉर पोस्ट कोड ए टू डी के लिए। अब हम पोस्ट कोड ई के बात कर लेते हैं, जो है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज। यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, यहाँ पर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी विथ इंग्लिश एज कंपल्सरी सब्जेक्ट, या फिर मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज कंपल्सरी सब्जेक्ट, या फिर मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज कंपल्सरी सब्जेक्ट, और मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज कंपल्सरी सब्जेक्ट, और मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी इंग्लिश एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, प्लस आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन में फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, या फिर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बता देते हैं, अगर आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सिंपली मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री हिंदी या फिर इंग्लिश में होनी चाहिए, और आपने जो डिप्लोमा या फिर ट्रांसलेशन का कोर्स कर रखा हो, सर्टिफिकेशन जो आपके पास हो, वो उसमें आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको SSC के पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको उस पर यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद आप लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ले तो यहाँ पर 100 रुपीज़ फ़ीस जनरल कैंडिडेट को देने पड़ेंगे। अगर आप विमेन हैं, SC ST PW कैंडिडेट हैं या फिर एक एक्स सर्विसमैन है, तो ये सारे लोग एग्जेम्प्टेड हैं, इन्हें फ़ीस नहीं देनी है। बाकी सभी लोगों को 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन में रीजन वाइज सेंटर्स गिवन है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पृथ्वी फाउंडेशन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, जहाँ से देख के आप केयरफुली पढ़ के देन आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे रीजन वाइज सेंटर कोड दिया हुआ है, जिसे देख के आप अपने फॉर्म में फिल कर सकते हैं। एक बार एग्जाम सेंटर आपने चूज कर लिया, उसके बाद आपका एग्जाम सेंटर चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम कितने स्टेजेस में कंडक्ट होगा। तो यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर 1 आपका जो अक्टूबर में होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, और जिसमें 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनेंगे। पहला है जनरल हिंदी, दूसरा है जनरल इंग्लिश। जनरल हिंदी के 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश के 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें जो सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा, जिस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो है ट्रांसलेशन, और इससे 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी, 0.25 मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। अब यहाँ पर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, वहाँ पर आपका कैंडिडेट की लैंग्वेज की, लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा। पेपर 2 जो आपका होगा वो ट्रांसलेशन होगा और ऐसे होगा। यहाँ पर आपको
दो पैसेज दिए जाएंगे ट्रांसलेशन के लिए। पहला पैसेज को आपको ट्रांसलेट करना होगा हिंदी टू इंग्लिश में, और दूसरे पैसेज को आपको ट्रांसलेट करना रहेगा इंग्लिश टू हिंदी में। और एक एस्से भी आपको लिखना रहेगा, यहाँ पे दो एस्से आपको लिखने रहेंगे हिंदी में और इंग्लिश में। ये सेकेंड पेपर आपकी ट्रांसलेशन स्किल्स को चेक करेगा। इस एग्ज़ाम के लिए पोस्ट प्रेफरेंस जो आपको देनी होगी, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको आपकी पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो जूनियर ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है इन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट में, अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जिनकी बात अभी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं वीडियो में। मोड ऑफ सेलेक्शन की बात कर लें तो मिनिमम कितने क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए आपको पेपर वन और पेपर टू के लिए। जनरल कैंडिडेट को 30% मार्क्स चाहिए, OBC EWS को 25% और अदर कैटेगरी को 20%। पेपर वन के मार्क्स के बेसिस पे कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग होगी और कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और फिर उन्हें पेपर टू में बुलाया जाएगा। पेपर वन क्योंकि कई शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उस बेसिस पे आपको पेपर टू के लिए बुलाया जाएगा। पेपर वन और पेपर टू की परफॉर्मेंस के बेसिस पे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और जो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा वो आपके पेपर वन पेपर टू के बेसिस पे होगा, और जो पोस्ट प्रेफरेंस आपने दी है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, उस बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और अलॉटमेंट होगा आपका कि आप किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मांगा गया है, जहाँ पर आपके फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स को आपको मीट करना पड़ेगा, जैसे कि जूनियर ट्रांसलेटर इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें गिवन हैं क्या क्या आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए। और यहाँ पर ग्रुप बी जो नॉन गेजेटेड पोस्ट है उसके लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मांगा गया है वो है 1 माइल रन। ये आपको टेस्ट मैंडेटरी है, और जो टाइम आपको दिया जाएगा यानी कि आपको 1 माइल की दौड़ लगानी होगी सिर्फ 10 मिनट में, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रखा गया है ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए। रीजन वाइज फिजिकल स्टैंडर्ड्स गिवन है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर आप वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्ट प्लेन रीजन, ईस्ट प्लेन, सेंट्रल रीजन, साउथर्न रीजन, किसी भी रीजन से आप बिलोंग करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपकी क्या हाइट, आपकी क्या चेस्ट की मेजरमेंट और कितना आपका वेट होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन हैं। एक बार फिर से आपको इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट डेट्स बता दें, इसके ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो चुके हैं कल से, यानी 20 जुलाई से इसके ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी लास्ट डेट है 4 अगस्त, लास्ट डेट फी पेमेंट की है 5 अगस्त, और जो आपका एग्ज़ाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा वो होगा आपको अक्टूबर में। तो अगर आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी देखने को मिलेगी वो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, साथ ही आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब को करने के लिए तो लास्ट डेट तक का वेट ना करें, जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को फिल कर दें। नोटिफिकेशन के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पृथ्वी फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। सो आई होप कि आज की ये नोटिफिकेशन आपको क्लियरली समझ में आई होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल और यूज़फुल लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही डेली वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए। और हमसे ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तीनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मिलते हैं कल आपसे एक नई जॉब अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।